सो गाइस ये देखो मैंने बनाया है चावल का पराठा जो कि आज बिना फटे और बहुत अच्छे तरीके से बन गया है क्योंकि इसके अंदर प्याज नहीं थे। रात का मैंने रात को राइस बनाए थे, पुलाव बनाया था तो वो बच गए थे, तो मैंने सोचा उसका मैंने पराठा बनाती हूँ और बहुत सही तरीके से बन गया। एक यहाँ पे ये बन रहा है अभी, बस खा के देखेंगे कैसा लग रहा है। ये दिखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, बाकी खा के पता लगेगा। मैं तो बहुत सालों बाद खा रही हूँ, ऐसे मुझे खास इतने पसंद नहीं है चावल के पराठे। जी बन गया मेरा सेकंड पराठा भी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। अभी इसको खा के देखेंगे कि ये कैसा लगता है और राजवीर को एक बाइट खिलाएंगे। The next day. What's up everyone? Welcome back to our new vlog. So जी दोपहर के 1 बज रहे हैं, प्लान था अभी हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह और बूट्स वगैरह देखने थे हमको, तो वहीं जाना था और कुछ घर के राशन वगैरह भी है। लेकिन 1 बज गया है, मैंने तो चलो कुछ खा लिया था बट कंचन ने कुछ खाया नहीं था, तो कंचन कन्फ्यूज थी कि अभी बनाऊँ या आके बनाऊँ। मैंने वही बोला कि अभी बना लो, बाद में पता चला वहाँ पर घूमते घूमते बंदा भूख के चक्कर में और चिड़चिड़ा हो जाए और ग्रह युद्ध हो जाए वहाँ पे। फिर होएगा हाँ। मैं कह रही थी आधा प्याज क्यों रखा है तुमने फ्रिज के अंदर? वो बचा हुआ था ना, फेंकते थोड़ी हूँ। रखा तो स्मेल हो जाती है प्याज की। उसकी हुई है? हुई उसकी। थोड़ी थोड़ी आने थी तुमको? नहीं बिल्कुल। मैंने रखा है तो पक्का मुझे स्मेल तो आएगी। मैंने रखा है तो आएगी, तुम रखते तो नहीं आती। हाँ, मैं रखते तो शायद नहीं आती, तुम क्या रखे तो पक्का है। खाऊंगे बस, चलो मैं रेडी हो जाता हूँ, तुम बना लो। तो खा लो थोड़े से। और ये कल मैडम ने भून दिए थे, पर भाई साहब क्या ही भूंगे, मूंगलियाँ इतना सर दर्द हुआ है ना पूरी रात, ऐसा लगा सर में गैस हो चुकी है, पता नहीं कि सर दर्द होने लग गया था इतना इसको खाने। यार मैंने तुमको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली भूने लिए, बट मैं तो देखो इससे पहले तो मैं कभी भी घी नहीं डालती थी भूनते हुए, मैं जम्मा ही ऐसे भून देती थी सूखा ही, ठीक है। तुम्हें मैंने देखा था घी डालते हुए कि तुम घी डालते हो तब तो आधा चम्मच होता है, आधा चम्मच होता है। मैंने एक चम्मच डाल के भून दिया, मूंगफली अभी घी छोड़ देती है, ऑयल सा छोड़ती है। ये भी नेक्स्ट टाइम रेत में भूनना है, रेत लेके आना, रेत में भूनना, रेत में, रेत हाँ है ना, रेत में अच्छे भून जाएंगे। एक्चुअली कल दोपहर को सोए हुए थे ना, कल दोपहर को सोए हुए थे तो कंचन को लगी होगी भूख, तो मेरा भी सोच के कंचन ने सोचा मूंगफली भून देती, पर उसमें इतना घी डल गया और उससे जब खाया तो पूरी रात तक ना हल्का हल्का सर दर्द सा रहा, जैसे गैस हो जाती है सर में ना, तो वो पेन सा रहा। मैं उसके बाद मेरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है जी अभी का मौसम, बादल ही है यार, बारिश तो हो ही नहीं रही है ढंग से, अदरवाइज दिल्ली वगैरह में तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सोची निकल अरे अच्छा फैन बंद, मुझे लगा लाइट चली गई, मैंने फैन बंद किया। सोची निकल रहे हैं बस अभी और देखते हैं कि 1.5 घंटे में सारा निपटा देंगे। मौसम अच्छा है लेकिन भाई साहब ह्यूमिडिटी की वजह से इतनी ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं ना थोड़ी देर, मतलब किचन वगैरह में भी खड़े हो जैसा लगता है ना बंदा पूरी दिन की दिहाड़ी करके आया, इतना ही पसीने होने लग जाता है, इरिटेशन होती है इतनी ज़्यादा। कुछ कहना चाहोगे गर्मी? ह्यूमिडिटी है ना इसलिए हो रहा है। ये तो सेम मैंने भी मुंबई में भी ऐसे ही तो रहता था, याद है? बट मुंबई में हवा चलती है ना, बारिश के टाइम पे यहाँ हवा ही नहीं चल रही बिल्कुल भी, और बारिश इतने दिन से धोखा दे रही है, सवेरे सवेरे थोड़ा सा थोड़ी सी आ जाती है, फिर आती ही नहीं है, और हर जगह हो रही है, दिल्ली दिल्ली साइड सब जगह, पर यहाँ पे ही नहीं है ना सारे। यहाँ पानी खड़ा है, ऐसा लग रहा है बहुत बारिश है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और हवा थोड़ी सी कम हो जाती है गाड़ी में ना, वो भी हवा चेक करवानी पड़ेगी। अरे यार इधर पानी है, नहीं नहीं मैं बाहर निकालता हूँ, पानी है इधर, हवा कम हो जाती है यार गाड़ी की, पता नहीं धूप में खड़े होने की वजह से ना हो, बट चलो वो हीट नहीं है जो पहले होती थी, थोड़ी गर्म तो है लेकिन वैसी नहीं है वैसे वाली कि बैठा ही ना जाए, पसीने आ रहे ना मत्थे पे शुरू हो गए इतने। पहले जितनी नहीं है, हल्का फुल्का पानी का है, इतना सारा पानी गिरा गाड़ी में से। अच्छा वो ऐसे बारिश का थोड़ा बहुत हो रहा है, वो तो कूलेंट है। चलो जी निकलते हैं। और गाइस हम लोग जा रहे हैं डिकैथलॉन, आपने पहले भी देखा था, पहले भी गए थे, लेकिन हमको क्या था जो चीज़ें लेनी थी ना, हमको ये था कि एक बारी ना ऑनलाइन भी देख लेंगे डिकैथलॉन पे कितना फ़र्क होता है प्राइस का, क्योंकि ऑनलाइन सेल वगैरह लगी होती है, तो वही एक दो चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं। ट्रैक पैंट्स है ना, वही सब लेना है, बाकी देखते हैं वहाँ पे और क्या मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है ही। सो गाइस हमको वहाँ से पूरा
ट्रैफिक नहीं लगता इधर, नहीं तो इधर बहुत ट्रैफिक लग जाता क्योंकि सेंटर वाली रोड खोलती ना अभी। सो जी पहुँच गए, लेकिन कंपेरेटिवली पिछली बार से ना बहुत कम भीड़ लग रही है आज। आज का दिन है, अच्छा वीकेंड नहीं है आज, सॉरी इसी वजह से ये भी। बाप रे, बनते दो ना, है ना? वो तो है वो वॉलपेपर बड़े सही है, देखो सारे गेम्स के। पिछली बार तो ध्यान नहीं दिया इस पर। हाँ ट्राई तो कर ही सकते हैं, वड़ा पाव गर्ल ये वाला सही लग रहा है क्या? बिल्कुल वड़ा पाव लग रही है, सच्ची बताओ। हाँ यार मजाक कर रहा हूँ। सो अब हमें देखते हैं ट्रैक्स वगैरह, मेरे को तो वही समझ में आ रहा है। शॉर्ट्स भी बन जाते हैं ये ऐसे पता ना, यहाँ से डिटैच होती है ना, यहाँ से डिटैच हो जाती है, शॉर्ट्स बन जाते हैं। सो ये देखो ये इतना सामान भर लिया है, लेकिन सब देने वाला नहीं, इसमें से कोई एक आधी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। ये सब कंचन का हो रहा है अभी, तो साइज़ वगैरह ना, क्योंकि साइज़ का हमको समझ में नहीं आ रहा, वो ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा। मेरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा ब्रो, तुम्हारा है ही नहीं, मेंस का सेक्शन ही नहीं, सब लड़कियों के पुतले लगा रखे हैं कंचन। देखी जा रहे हैं इधर हम, छोटा है गई आगे, नहीं देखा ना उसका, आगे से चौड़ा नहीं है ना जी, है ना? ये हाथी के पैर कहाँ आ जाएंगे इसमें? नहीं आ रहे क्या? इसमें से देख सकते हो, इनमें से देखते हो, फिर उसमें भी होगा राज भी। ये 41, हाँ ये वाला, ये बोट ये ले, उसमें देखो, उसमें पूछ लो ना उनसे कि 44, क्या पता हो उनसे पूछ लो वहाँ पे, वो है ना ऊपर, देखो राजवीर आई थी ऊपर वाला होगा वो, देखो वहाँ ऊपर उस साइड पे, हाँ हाँ यहीं पे ही हूँ मैं, उधर ऊपर देखना 44 है उसमें, मिला तो जी, जूते जूते पे लिखा है पहनने वाले का नाम, वो लड़कियों के शूज थे, मैं नहीं फसाई जा रहा था। 37 है, नहीं आ रहा क्या? ऐसे पहनने बढ़ते, हाँ क्योंकि हाई एंकल हो गए ना, हाँ फिट है पूरे, पूरे फिट है, थोड़ा सा तो लूज होना चाहिए ना। 38-39 देखना है, 37 है, 39 देखना, हाँ ये सही आ जाएगा फिर। ये कोला कैसे था तुमने? मैं तो हाथ से झटक गया था वो, ये आ गया ना तुमको, ये तो टाइट हो जाएंगे ऊपर से। हाँ ऐसे लग रहा है कि क्या ही पहनना है, ये तो पूरी यहाँ तक है। हाँ सॉफ्ट है, विंटर्स बूट्स है, ठीक है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मिरर का है उधर, हाँ तो मिरर नहीं है यहाँ, तो मेंस के तो बूट्स हैं, 12,000 का है वो, ये 12,000 3,500 पर, ये लेसेस वाले नहीं चाहिए ना मेरे को, विदाउट लेसेस नहीं है, नहीं है। चलो अरे यार अच्छा नहीं लग रहा ये देख के, तुम्हारे साइज के नहीं मिल रहे। चलो मेरे वाले तो बहुत सॉफ्ट है, ये तुम पहन के देखते हैं ना तुमको आते हैं अगर ये वाले। सो ये सारे हम कपड़े भी देखते हैं ट्राई करके, ये तो रिजेक्ट हो चुके हैं साइज वगैरह के हिसाब से, बाकी ये देखते हैं कितने रह रहे, पहले कंचन ले लिया फिर कल मैं जाऊँगा। सो जी शॉपिंग कर ली है, अब चलते हैं घर पे। तुम्हारे तो तुम्हारे शूज भी आए, ये पकड़ना कंचन, अपने को अच्छा हो तुम खा पी के आए, पर इतना घूमे दो बारी पानी पीना पड़ गया, चलो चलते हैं अभी घर निकलते हैं, घर जाके दिखाते हैं आपको लिया के। बस अभी कंचन ने ये कुछ नहीं है मैंगोस, और उधर ले रहे हैं सब्जी, क्योंकि सब्जी वगैरह बिल्कुल ही खत्म थी, लहसुन वगैरह तो बाहर से मंगवा के ना थक गए थे कि इतना अच्छा भी आता भी नहीं और थोड़ा महंगा ही पड़ता है, इसलिए
खुद ही आ गया अभी लेने। कल से प्लान बन रहा था कि सब्जी लेके आनी, सब्जी लेके आनी, और यार कम से कम हमको लगता है 1.5-2 घंटे लग गए हम। 1:30 बजे तक निकले थे हम, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। बट हाँ, इस बार तसल्ली से हर चीज देख के लिए, और यार अच्छा मटेरियल देखो, कपड़े तो होते हैं अच्छे हैं डिकैथलॉन पे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा ना प्राइस बहुत अपर साइड पे होता है। मे बी उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेड होते हैं बाहर की कंट्री से, मेड इन इंडिया होते हैं बट बहुत कम होते हैं, मोस्टली बांग्लादेश वियतनाम वगैरह से काफी ज्यादा, और चाइना से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होते हैं ये। तो मेरे ख्याल से इस करके ना इनके रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं।